हरे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है संडे की संडे चैनल में। मैं आपको दोस्त संदीप, आप मुझे संडे भी कह सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो एक सोशल इशू पे है। मैंने आज ही अनाउंस किया था कि अब मैं रात को 9 बजे एक सोशल इशू पे वीडियो लाऊंगा, जिससे कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। जैसे हम जानते हैं, इस चैनल का मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करना है। तो ऐसा कोई इशू जिसके बारे में कंफ्यूजन है, उसको दूर करने की कोशिश करना। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा COVID-19 की। इतनी बड़ी महामारी, इतना मेजर पेंडेमिक, दोस्तों क्या हमें ये एहसास नहीं होता कि इतने बड़े देश में, जिसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, गरीबी भी है, क्या ऐसी सिचुएशन तो बहुत ही आसानी से मैनेज करा जा सकता था? एज पर माय कॉमन सेंस, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मोटिव ये है इस वीडियो का कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं, स्पेशली किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका भी हो सकता है, यू आर मोस्ट वेलकम कॉमेंट करने के लिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या होगा उनका सेल्फ इंटरेस्ट? क्या वो नहीं चाहते होंगे कि कोविड सिचुएशन ठीक हो जाए? अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मैं कहूंगा हमारे प्रधानमंत्री इज ए वेरी ब्रेव प्राइम मिनिस्टर, ही इज एन आर्मी मैन। उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं अभी तक देश के हित में लिए हैं, देश के लिए लिए हैं। फॉर एग्जांपल, नोटबंदी, हमें ये पता है कि हमें काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन उनका इंटेंशन खराब था क्या? उनका इंटेंशन प्योर था। अगर हम बात करें GST की, उनका इंटेंशन खराब था क्या? उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट था? बिल्कुल नहीं, उन्हें देश के लिए सोचा। अगर राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, फिर देश के लिए सोचा। उन्हें जो भी फैसले लिए हैं देश के लिए लिए हैं, उनका कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, परफेक्शन नहीं हो सकती है, बट इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। एंड एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी इंटेंशन हमेशा प्योर थी, प्योर है और प्योर रहेगी। दोस्तों, मैं खाली ये कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा था कि ऐसे सिचुएशन में हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि ब्लेम गेम करना चाहिए, क्योंकि ये देश कोई छोटा देश नहीं है दोस्तों। पर डेटा अवेलेबल है दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही एफिशिएंटली इस सिचुएशन को हैंडल करा है, फॉर श्योर। मैं फिर भी कहूँगा, ऐसे सिचुएशन में, इतने बड़े देश में, परफेक्शन का होना इज नॉट ईजी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत ही सिंपल था, कन्फ्यूजन को दूर करना। दोस्तों, मैं खाली दोबारा रिपीट करूँगा, ऐसी सिचुएशन जो महामारी की हो, बाढ़ की हो, अर्थक्वेक की हो, COVID-19 सिचुएशन जो कि बहुत ही बड़ी महामारी है, ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए, किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड, ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती है हैंडल करने के लिए। एंड वंस अगेन आई रिपीट, इंटेंशन का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, परफेक्शन आना इज नॉट दैट ईजी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा। अगेन आई एम ट्राइंग टू क्लियर द कन्फ्यूजन। अगर आपके कोई अपने विचार हैं, प्लीज़ कॉमेंट कर दें। अगर आपका कोई अपना पॉइंट, सबको आज़ादी है अपने विचार को रखने का, अगर आप कुछ अलग सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विल रिपीट वंस अगेन, इस वीडियो का मकसद किसी के सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाना नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। हो सकता है आपकी सोच अलग हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट। दोस्तों, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, हरे कृष्णा।